हेलो भाई लोग, फ्री फायर में रैंक का नया सीजन आ चुका है और अगर आप तुरंत और आराम से हीरोइक जाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बरमूडा रिमास्टर्ड मैप में पांच ऐसे जगह का नाम बताऊंगा जहां पर आप आराम से बैठ के कैंपिंग कर सकते हो और अपने एनिमी को सरप्राइज करके मार भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, पहला जगह है हमारे रिवर साइड के पास और यहाँ पे आने के लिए आप शिपयार्ड में भी लैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा लूट कर लेना है। इधर नीचे मेरे को एक लेवल 3 का बैग मिल चुका है और गाइस पता है, ये गाड़ी का स्किन ना मेरे को फ्री में निकल गया था। अभी पता नहीं कि आपका क्या निकला था फ्री स्किन में। तो यहाँ पे मेरे को प्लाज्मा और मैग 7 निकल चुका है जो कि काफ़ी अच्छी चलती है शॉर्ट रेंज में। तो लूट करने के बाद मैं इधर नीचे आ गया हूँ, आपको भी इधर नीचे आ जाना है। तो इधर मैं ऊपर चढ़ूंगा, जैसे मैं ऊपर चढ़ूंगा भाई लोग उसी तरह से आपको ऊपर चढ़ना है। इधर आपको जंप का बटन दबाते रहना है और रनिंग के साथ तो आप ऊपर चढ़ जाओगे। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ चुका हूँ और आप यहाँ पे लेट करके आराम से रैंक को पुश कर सकते हो और यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई एनिमी क्लोज रेंज में आता है तो आप उसे मार भी सकते हैं। तो गाइज, ये जगह काफ़ी अच्छी है और इसे चेकआउट ज़रूर करना भाई लोग। दूसरा जगह हमारे न्यूरेक डैम में। तो इधर आपको आना है पूरा लूट करने के बाद और आपको दीवार पे जंप करते रहना है। जब आप 4-5 बार जंप करोगे तो सबसे ऊपर आ जाओगे। और भाई लोग, मैं तो कहता हूँ कि आपको दरवाजे के ऊपर बैठ जाना है, क्योंकि इधर से आप देख सकते हो लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल भी नहीं दिखोगे। और अगर कोई एनिमी अंदर आता है तो आप उसे आराम से सरप्राइज करके मार सकते हो। और भाई लोग, यहाँ तो आपका आराम से 2 जोन कट सकता है, क्योंकि आपका 2 जोन यहीं पर बनता है अधिकतर बार। तो यहाँ से आप आराम से कैंपिंग करके अपने रैंक को पुश कर सकते हो। और भाई लोग, ये जगह मेरे हिसाब से काफ़ी ओपी है। तीसरा जगह हमारे शिपयार्ड में। तो शिपयार्ड में आना है, इधर मेरे को एनिमी मिला है, मैंने इसे हेडशॉट देके मार दिया। तो भाई लोग, इधर आपको पूरा लूट कर लेना है और लूट करने के बाद आपको जाना है जिधर लॉन्च पैड है उधर। तो मैं इधर पूरा लूट कर लिया हूँ और मैं लॉन्च पैड के पास आ गया हूँ। तो इधर आने के बाद मैं जिस तरह से लॉन्च पैड को सेट करूँगा उसी तरह से आपको भी लॉन्च पैड को सेट करना है। जो लेफ्ट साइड में येलो कलर का पिलर दिख रहा है उधर ही आपको लॉन्च पैड को सेट करना है। और ये देखो भाई लोग, मैं कहाँ पे आ गया भाई लोग, क्या जगह है, बहुत ही ओपी जगह है भाई। यहाँ पे आप आराम से कैंप कर सकते हो और अपने एनिमी को सरप्राइज करके मार सकते हो भाई लोग, बहुत ओपी जगह है, इसे ज़रूर चेकआउट करना। और भाई देखो, यहाँ पे राइट साइड से एक बंदा आ रहा है, मैंने उसे देख लिया और देखो भाई, मैं इसे मारता हूँ और इधर इसको एक हेड पड़ा और ये मर गया। और लेफ्ट साइड में भी एक बंदा है ग्लूवाल के पीछे, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैं इसे कहाँ से मार रहा हूँ और उसको भी मैं मार रहा हूँ। और ये देखो गाइस, वो भी ख़त्म हो गया, उसे पता ही नहीं लगा भाई कि मैं किधर से मार रहा हूँ और कहाँ पे हूँ मैं। तो भाई लोग, ये जगह काफ़ी ओपी है अपने एनिमी को सरप्राइज करके मारने के लिए और रैंक को पुश करने के लिए भी। दोस्तों, चौथा जगह है हमारे एकेडमी में। तो यहाँ पे आने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ग्लूवाल की। तो गाइस, मैं जहाँ पे अभी एक ग्लूवाल लगाऊंगा उधर ही आपको ग्लूवाल लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लूवाल लगा दिया है और अब आपको यूज़ करना है लॉन्च पैड। तो लॉन्च पैड की मदद से मैं ऊपर आऊँगा। तो भाई लोग देख लेना, मैं इधर जैसे ऊपर आऊँगा आपको भी उसी तरह से ऊपर आना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ और आपको गन से ग्लूवाल तोड़ देना है और इसके बाद आप यहाँ से आराम से कैंप कर सकते हो। तो देख सकते हो भाई लोग, क्या मस्त जगह है ये, और आप यहाँ से भी अपने एनिमी को सरप्राइज करके मार सकते हो। और जब आप इधर से नीचे उतरोगे तो आपको 100 का डैमेज आएगा, तो आप उसके बाद मेडिकेट मार लेना। तो भाई लोग, ये भी काफ़ी ओपी जगह है। आइए भाई लोग, मैं अब आपको बताता हूँ पांचवा जगह के बारे में। तो इधर आने के लिए आपको लैंड करना पड़ेगा यहीं ऑब्जर्वेटरी के पास। तो ऑब्जर्वेटरी में आपको पूरी अच्छी तरह से लूट कर लेनी है और आपको यहाँ पे यूज़ करना है लॉन्च पैड। तो भाई लोग, मैं जिस तरह से लॉन्च पैड को यूज़ करूँगा, राइट साइड में जो एक लाइट हाउस के जैसा दिख रहा है उधर ही वहीं पर आपको लॉन्च पैड को सेट करना है। और देखना भाई लोग, मैं इधर यहाँ पर आ जाऊँगा और ये जगह मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है। और देख सकते हो यहाँ पे कोई एनिमी आपको देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये बंदा कैसे आया, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई लोग कि आप यहाँ पे हो सकते हो। तो भाई लोग, ये जगह काफ़ी ओपी है और आप यहाँ से आराम से रैंक पुश कर सकते हो। और मेरे हिसाब से पहला जोन इसी के अंदर आता है, तो आपका पहला जोन आराम से कट जाएगा और आप आराम से रैंक को पुश भी कर पाओगे। तो भाई लोग, यहाँ से उतरने में आपका बहुत कम एचपी बचेगा, सिर्फ 10 का बचेगा, तो आपके पास मेडिकेट भी होना चाहिए और आप यहाँ से फटाफट मेडिकेट मार लेना उतरने के बाद। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि अब आप हीरोइक आराम से पहुँच जाओगे। और भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।